एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं इनका फर्स्ट सन ऑफ गॉड और 18 सन ऑफ गॉड में फाइट चल रही होती है, जहां पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड उसे अपना डोमेन में डालकर वहीं पर उसका काम तमाम करने के बारे में सोचता है। मगर उससे किन्जो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने बुक ऑफ हेवन के स्किल का यूज करके उसका सभी चाल से बच जाता है, बल्कि वो उसी पर भारी पड़ने लगता है, जिससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। और अब जबकि वो उसे हरा नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने ही डोमेन में कैद करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन किन्जो उसको भागने देने से पहले ही पकड़ लेता है, जिससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर तुम मुझे ढूंढ कैसे लिए। किन्जो कहता है कि जितना भागना चाहो तुम भाग सकते हो, मैं तुम्हें बार बार ढूंढ लूँगा। ये सुनकर उसका दिमाग फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता देख कर किन्जो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड छुपना बंद करो, ये तुम्हारी डोमेन है, हम दोनों ही इसमें फंसे हुए हैं। ये बोलकर वो उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा डोमेन का ये ब्लैक पॉइजन मिस्ट मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? इससे तुम मुझे थकाकर मारना चाहते हो ना? तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजन में रह रहे हो। ये पॉइजन दूसरों के लिए डेडली हो सकता है, मगर इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे पास में इटरनल दानदियान है, इसलिए मुझे यहाँ पर मौजूद जहरीले स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर थ्योरी की बात करें तो मैं हमेशा के लिए इसे होल्ड कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये बोलकर वो अटैक करते हुए कहता है कि इस बार तुम छुप नहीं पाओगे। उसका अटैक से फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी किन्जो फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं, जहाँ पर इंतज़ार करते करते क्लीन एंसेस्टर कहते हैं कि काफ़ी देरी हो चुकी है और 18 सन ऑफ गॉड अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला है। मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ से ज़्यादा बैड न्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो ये कहता ही है कि तभी फर्स्ट सन ऑफ गॉड का डोमेन ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से दोनों बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर किन्जो को दिखाते हैं, जो कि उससे कह रहा होता है कि अगर तुम भाग के जा कहाँ पर रहे हो। ये बोलकर वो फिर से उसे पीट कर नीचे पटक देता है, जो देखकर क्लीन और फिनिक्स एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। तो वहीं पर वो देखकर ड्रैगन एंसेस्टर कहते हैं कि लग रहा है कि 18 सन ऑफ गॉड ने ना सिर्फ फर्स्ट सन ऑफ गॉड के डोमेन को ब्रेक कर दिया है, बल्कि वो उसे उसी को डोमेन में हरा भी दिया है। ऐसा मॉन्स्ट्रस टैलेंट तो मेरे भी यानी कि इस एंसेस्टर को उम्मीदों का भी परे है। अपना कमेंट देखकर वो युवा के एंसेस्टर से पूछता है कि क्या तुम दोनों सटन हो कि ऐसा प्रोडिजी को युवा सट प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है? आउल एंसेस्टर कहते हैं कि अगर तुम लोग रिट्रीट कर लेते हो तो हम लोग। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही फिनिक्स एंसेस्टर कहने लगी होते कि नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। अगर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो दूसरे लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आ जाएंगे। उल्लू एंसेस्टर कहते हैं कि पहले ये देखो कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड अभी भी टेबल को टर्न कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। वहीं पर नीचे में ख़राब हालत वाले फर्स्ट सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जिसका वो हालत देखकर किन्जो उससे कहता है कि हारने का नाटक करना बंद करो और खड़ा होकर आकर मुझसे फाइट करो। इन सबसे फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उठते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा, अब मैं तुम्हारा सारे एनर्जी को चूस कर तुम्हें स्केलेटन बना दूंगा। ये बोलकर वो अपना डेमोनिक ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक का यूज करके उसका सारा का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की तैयारी करने लगता है, जो देखकर किन्जो थोड़ा सा चौंक जाता है। मगर अगले ही सेकंड हंसते हुए उसे याद दिलाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि सन ऑफ गॉड के कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। फर्स्ट सन ऑफ गॉड कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है, मगर मेरा डेमोनिक एपेटाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बोलकर वो उसका एनर्जी को सक करना स्टार्ट कर देता है। वो देखकर किन्जो कहता है कि अगर तुम इसे खाने चाहते हो तो मेरे पास इसकी कोई कमी नहीं है। वहीं पर वो सब देखकर फिनिक्स एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए पूछती है कि क्या इस बार वो सक्सेस हो पाएगा ना। ड्रैगन एंसेस्टर कहते हैं कि कहना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। 18 सन ऑफ गॉड का सबसे विशेष बात ये है कि वो बिना थके हुए काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक फाइट कर सकता है। उसका स्पिरिचुअल एनर्जी तो लगभग एंडलेस है। अभी भी ये अनक्लियर है कि उसका एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी का कारण आर्टिफैक्ट है या फिर उसका कंस्टिट्यूशन के कारण ये होता है। क्लीन एंसेस्टर कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड के पास में डेमोनिक ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक को रजिस्ट करने का कोई चारा है ही नहीं। अगर उसके पास में गॉड किंग रीलम से कंपेयर करने वाला स्पिरिचुअल पावर भी होता है, फिर भी वो इवेंचुअली ख़त्म हो ही जाएगा। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड ही जीतेगा। उसका बकवास को सुनकर फिनिक्स एंसेस्टर उसका मुंह बंद करवा देती है। वहीं पर नीचे में फर्स्ट सन ऑफ गॉड उसके एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए उससे पूछता है कि बताओ, क्या तुमने अपना फेट स्वीकार कर लिया है? किन्जो कहता है, तुम जितना चाहे उतना सब कर सकते हो, मैं एक चू भी नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता
कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा पावर ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर को ही ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसके साथ साथ मैं अपना बॉडी को भी इवॉल्व कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपना बॉडी में से एक और हाथ निकाल लेता है और कुछ ही सेकंड में एक और हाथ को वो इवॉल्व कर लेता है, जिससे अब उसके पास में चार हाथ हो जाते हैं। वो देखकर फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफर जी खुश होते हुए कहता है कि जब मेरा ये दोनों को दोनों आर्म पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो मेरा ताकत बढ़कर डबल हो जाएगा। वो सब देखकर किन्सु अपने आप से कहता है कि क्या मैं उसे इनडायरेक्टली उसे ताकतवर बना रहा हूँ, सॉरी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ब्लास्ट करके रहूँगा। ये बोलकर वो अपने एनर्जी को पहले से कई गुना बढ़ा देता है, जिससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफर जी सॉफ्ट हो जाता है और उसका बॉडी पर दबाव बढ़ने लगता है और वो कहता है कि ये तो पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर उसने ये कैसे कर दिया। वहीं पर किन्सु उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यही एंड है। ये बोलकर वो और ज्यादा पावर बढ़ाकर उसे ऑब्जर्व करने के लिए देने लगता है, जिससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड के बॉडी में वो पावर काफी फास्ट स्पीड में एंटर करने के कारण उसका बॉडी को उस एनर्जी को डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब होने लगता है और उसका एक नया हाथ जो अभी कुछ देर पहले इवॉल्व हुआ होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसका टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका दिमाग भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और उसे दर्द भी होने लगता है। दूसरी तरफ में वो रिजल्ट देखकर क्लीन एंसेस्टर भी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड का बॉडी का स्पिरिचुअल पावर को लेकर जरूर एक शॉकिंग सीक्रेट होगा। ड्रैगन एंसेस्टर कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड का अपॉर्चुनिटी ट्रम्प कार्ड और सीक्रेट एंडलेस है, ये सब ऑलरेडी एक एम्परर का अपीयरेंस को दिखा रहा है। वहीं पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जिसका कि दूसरा न्यूली इवॉल्व हाथ भी ब्लास्ट हो जाता है। वो देखकर किन्सु उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसे फील हो रहा है। ये सुनकर फर्स्ट काफी ज्यादा गुस्से में और ज्यादा पावर को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास में एंडलेस स्पिरिचुअल पावर है, मैं जरूर तुम्हारे सभी के सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लूंगा। उसे उतना ज्यादा अग्रेसिव तरीके से ऑब्जर्व करते देखकर किन्सु कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा जिद्दी निकले, अगर यही तुम्हारा विश है तो ठीक है, मैं इसे पूरा कर देता हूँ। ये बोलकर वो अपने एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाकर उसे ऑब्जर्व करने के लिए देने लगता है। अचानक उतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर लेने से फर्स्ट सन ऑफ गॉड का बॉडी फूल कर बलून जैसा हो जाता है। वो देखकर क्लीन एंसेस्टर काफर जी हैरानी से कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो फर्स्ट सन ऑफ गॉड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहीं पर फर्स्ट सन ऑफ गॉड का बॉडी और ज्यादा फूलने लगा होता है, जिससे उसे काफर जी दर्द होने लगता है और वो देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है, उसका शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे किन्सु को उसका भी सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे कि किन्सु काफी आसानी से ले लेता है। वो सब देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो 18 सन ऑफ गॉड एम्परर सन बन गया है। दूसरी तरफ में फर्स्ट सन ऑफ गॉड को हारता देखकर क्लीन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वही बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि वही जीतेगा वही जीतेगा, यानी कि वो फर्स्ट सन ऑफ गॉड को जीतने के लिए बोल रहा होता है, मगर अब जबकि वो हार गया है तो उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गया है। ड्रैगन एंसेस्टर कहते हैं कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड नहीं बल्कि 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड निकला। फिनिक्स एंसेस्टर पूछती है तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम 18 सन ऑफ गॉड को युवक एम्परर सन तो बनते हुए नहीं देख सकते हैं ना। क्लीन एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो जाए हम उस डिजास्टर को ऐसे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर डिजास्टर स्टार बोलकर भाई झो को संबोधित किया जा रहा है जो कि ककून बनाकर उसके अंदर में बैठी हुई है और किन्सु ही उसे सबसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वहीं पर क्लीन एंसेस्टर अभी भी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 18 सन ऑफ गॉड एम्परर सन है या कुछ और है, अगर वो उस डिजास्टर स्टार को हमें नहीं सौंपेगा तो मैं खुद ही अपने हाथों से उसका जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा। मगर तभी फिनिक्स एंसेस्टर उसे रोकते हुए युवक एंसेस्टर से पूछती है कि आप लोग उससे कैसे डील करने के बारे में सोचे हैं। क्लीन एंसेस्टर फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि हमारा धैर्य लिमिटेड है, अगर युवा शक्ति इस मैटर से डील नहीं कर सकता है तो हम भी एक्शन ले सकते हैं। गोट एंसेस्टर उन सभी लोगों को रीअश्योरेंस देते हुए कहते हैं कि ज़्यादा इंपेशेंट मत हो, मेरे पास एक रास्ता है, और उसका यही कहने के साथ में यही पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।